नमस्कार किसान साथियों, किसान भाइयों, आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि मशीन से गन्ना कैसे बोया जाता है। आज मैं बुढ़ाना क्षेत्र में हूं और यहां पे ये खेत बिल्कुल प्रॉपर मशीन से बोया जा रहा है, क्योंकि आजकल लेबर की बहुत कमी है। और जो भी मेरा किसान साथी बुढ़ाना क्षेत्र में मशीन से गन्ना लगाना चाहता है या बुआना चाहता है, बहुत बढ़िया तरीके से ये गन्ने की बुआई करते हैं। क्योंकि अभी मैं देख रहा था, जब ये ट्रैक्टर चला रहे थे, अभी गन्ना लोड करा जा रहा है, जब ट्रैक्टर चलेगा तो ये धीरे धीरे इसमें डाला जाएगा और खूड इसके दबते चले जाएंगे साथ के साथ। तो इनका थोड़ा सा परिचय ले लेते हैं, और अगर किसी को भी बुआना है तो इनसे संपर्क कर लेना। इनका नंबर भी मैं जो है वीडियो पे दे दूंगा। भाई साहब, अपना थोड़ा सा नाम बता दीजिए। सोनू कुमार जी, आप कहाँ, बुढ़ाने से ही हो? हाँ जी। तो ये आपने सारा सिस्टम आपने बना रखा जी है। आप कितने रुपए बीघा इसकी बुआई करते हैं जी? 600 रुपए बीघा। और बीज मतलब मालिक देगा आपको बस, है ना? मालिक देगा, ट्रॉली में पीछे उतरकागा लाद देंगे हम। अच्छा, लोड हम करेंगे। अच्छा, तो आप सूखे खेत में बोते हो या पड़े वाले खेत में? इसे सूखे का बढ़िया रह जा, पड़े का भी बोते हैं, सूखे का भी बोते हैं, पड़े का बढ़िया रह जा। अच्छा, तो 600 आगे आपने बोया। अच्छा, तो ये कौन सा ट्रैक्टर चला रहे जी इस पर आप? 595। एक बार अपना वीडियो में नंबर बोल दो अगर कोई बुआना चाहता हो आपसे बुढ़ाना क्षेत्र में। 49 फिर क्या जी? 99 49। हाँ, 99 49 37 47 57। 37 47 57, ठीक है जी। तो किसान साथियों, मशीन चलेगी, आप देखना कितनी अच्छी बुआई ये कर रहे। एक फिर आपको पूरा दिखाता हूँ, ये देखो जी। देखो किसान भाइयों, गन्ने टुकड़े कटते जा रहे हैं और नीचे दबती जा रही। और इस क्षेत्र में वैसे ही बहुत दिनों से बुआई कर रहे और गन्ना भी अच्छा जमता है इसका। गन्ने टुकड़े की कोई भी टूट नहीं नजर आ रही बिल्कुल भी। और 28 इंच पे तो हम इस तरीके से बुआई कर भी सकें। अगर 5% दिक्कत भी आती है तो भी गन्ना ब्याज करके खेत भर जाता है पूरा। अब ये दूसरी तरफ आ गया, अब यहाँ से ट्रैक्टर घुमाऊंगा। आप ये दबाओगे भाई साथ के साथ यहाँ? ठीक है, किसान भाइयों बहुत तेजी से जो है बुआई निपट जाती है इस तरीके से। किसान साथियों, जहाँ तक मैं महसूस कर रहा हूँ, ये पड़ेवा की बुआई में कामयाब है। सूखे में तो मिट्टी ज़्यादा आ जाएगी गन्ने पे और जमाव में दिक्कत हो सकती है 1%, क्योंकि ये देखो खूड पे मिट्टी आती जा रही है। लेकिन अगर इस तरीके से पड़े करके, जैसा ये खेत है, पड़ेवा का खेत है, इस तरीके से कोई दिक्कत नहीं आवे। गन्ने भी बहुत तेज़ी से घुसा रही है इसमें, बिल्कुल भी टूट नहीं है गन्ने की कि भाई बीच बीच में जो है खाली रह गया या कुछ ऐसी दिक्कत है। साइड में इसके एक ये है जो लाइन खींचती जा रही है साथ साथ ये वाली, इस पर ये ट्रैक्टर का अगला पहिया लाते हैं तो बिल्कुल प्रॉपर 28 इंच का गैप हो जाता है बीच में। कोई भी दिक्कत ये नहीं रहती कि भाई अगली लाइन कहाँ पे आनी, लाइन की निशान लगती हुई जा रही है साथ। इनका नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। वीडियो पे तो आपने सुन ही लिया, अगर कोई किसान भाई वो आके देखना चाहता है, क्योंकि कई लोगों के पास लेबर की दिक्कत रहती है, आजकल बहुत बुरा हाल है, किसान की दिक्कत किसान ही समझ सके। इस टाइम पे कोई नहीं मिलता बिल्कुल भी, बहुत पैसे खर्च करके भी किसान को इस टाइम पे आदमी नहीं मिलते। एक मशीन की वीडियो मैंने बनाई थी, उन्होंने खुद ही वो तैयार कर दी थी, लेकिन वो मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी। लेकिन ये सही तरीके से काम हो रहा, और गन्ने टुकड़े जो ये डाल रहे बहुत तेज़ी से डाल रहे, मतलब ऐसी दिक्कत नहीं आने की कि भाई टूट रहेगी कहीं या गन्ना टुकड़ा नहीं जा पाया।
और पले में ही पलेवा के खेत में ही ये कामयाब होगा, सूखे में नहीं लग रहा मुझे। ये देखो कितनी तेजी से डाल रहे गन्ने भैया।